मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धर्म गुरुओं के साथ संवाद कर रहे हैं। सभी जिलों से जुड़े विभिन्न धर्म गुरुओं से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद कर रहे हैं। इस दौरान धार्मिक स्थल खोलने को लेकर चर्चा की जा रही है। कलेक्ट्रेट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर शहर के सभी धर्म गुरु जुड़े हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से महंत कैलाश शर्मा, गलता पीठाधीश्वर अवधेश आचार्य, अमरापुर के नंदलाल महाराज, गोविंददेव जी मंदिर के महंत अंजन कुमार गोस्वामी, ईसाई समुदाय के मुमताज मसीह भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री से संवाद कार्यक्रम में जुड़े हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न धर्म गुरुओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। कोरोना काल के चलते लगाए गए लॉकडाउन और अब अनलॉक के बाद किस प्रकार की व्यवस्थाएं की जा सकती है प्रदेश में, इन तमाम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धर्म गुरुओं से चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। इसी क्रम में आज धर्म गुरुओं से उन्होंने चर्चा की है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरू का फोन लाइन पर मौजूद है। जी पिंटू सिंह, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार का संवाद किया जा रहा है, किन बातों को लेकर चर्चा की जा रही है? देखिए आशीष, देशभर में लॉकडाउन 5.0 जारी है, लेकिन इस लॉकडाउन को अनलॉक एक के तौर पे भी देखा जा रहा है। बड़ी रियायत दी गई है, काफी कुछ इंडस्ट्री को शुरू किया गया है, बाजारों में छूट दी गई है, व्यापारियों को छूट दी गई है, लेकिन जो केंद्र की गाइडलाइन आई थी कि 8 जून से धार्मिक स्थल भी खोले जा सकेंगे, उसको लेकर आज सीएम अशोक गहलोत जो प्रदेश के तमाम जो सभी धर्मों के जो धर्म गुरु है उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद कर रहे हैं। सभी जिलों से वहाँ के जो धर्म गुरु है, बड़े महंत है, वो सब जुड़े हुए हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं, वन बाई वन सबसे चर्चा कर रहे हैं, उनसे सुझाव ले रहे हैं। फिलहाल इस विषय में जो एक बात सामने आई है वो ये आई है कि अधिकतर जो धर्म गुरु हैं उन्होंने इस लॉकडाउन को यथावत रखने की सुझाव दिए हैं। उनकी मांग है कि धार्मिक स्थल कहीं ना कहीं आस्था का केंद्र है और इन सब चीजों पर इन सोशल डिस्टेंसिंग की और जो गाइडलाइन की पालना करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो कहीं ना कहीं 30 जून तक इस धार्मिक स्थलों को अभी तक नहीं खोला जाए। तो यूं कह सकते हैं कि अधिकतर धर्मगुरु अभी तक धार्मिक स्थलों को खोलने के पक्ष में नहीं है, हालांकि अंतिम निर्णय सीएम अशोक गहलोत करेंगे। फिलहाल वो सभी जिलों से जो धार्मिक गुरु है उनसे संवाद कर रहे हैं, उनसे संवाद ले रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं, अंतिम फैसला सीएम अशोक गहलोत को करना। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पिछले 2 घंटे से जारी है, अब देखना एक ही फैसला क्या होता है, लेकिन ये मानकर हम चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजस्थान में धार्मिक स्थल फिलहाल अभी नहीं खुल सकते हैं। जी आशीष जी, बिल्कुल पिंटू सिंह, माना जा सकता है कि जिस प्रकार से जनता आजकल धर्म गुरुओं के आदेश पर चलती है, धर्म गुरु यदि किसी प्रकार का संदेश देते हैं तो उसको अमल में लाती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की भी यह इच्छा होगी कि धर्म गुरुओं को इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि वो लोगों को जागरूक करे, कोरोना के काल के अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे, इस प्रकार की भी कोई चर्चा हुई है? जी आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से इस कोरोना का मामला देश में आया तो सबसे पहले ही अगर ये कोई पहल किसी ने की थी तो सीएम अशोक गहलोत ने की थी। लॉकडाउन लागू करने से पहले ही, जब लॉकडाउन देश में कहीं लागू नहीं हुआ था उससे पहले सीएम अशोक गहलोत ने सभी धर्म गुरुओं से चर्चा की थी, उनसे संवाद किया था कि इस प्रकार से जो ये कोरोना है ये पैर पसार रहा है, तो आप कहीं ना कहीं ध्यान रखें, और उसकी पहल का कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम भी आए और इसका कोई विरोध भी नहीं हुआ, धार्मिक स्थल बंद भी हुए और लोगों ने पालन भी किया, और उसी को देखते हुए सीएम अशोक गहलोत कोई अपने स्तर पर कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं, सब लोगों से सुझाव ले रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहे हैं। जब विषय शुरू हुई तो जो मेडिकल जो एससीएस चिकित्सा विभाग के उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन रखा कि कोरोना के क्या मामले हैं, क्या हालात हैं, स्थिति है, पूरी जानकारी उनको दी, डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर उन्होंने जानकारी दी और उनके बाद सुझाव लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल है जो सीएम अशोक गहलोत की खूबी रही, इस कोरोना में लगातार सब लोगों से संवाद किया, ये इसकी तारीफ केंद्र पे भी हुई कि वो चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वो धर्म गुरु हो, वो सबको साथ लेकर एक टीम के तौर पर सबको साथ लेकर सबके सुझावों को पर विचार करके कोई निर्णय ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है और इसके सकारात्मक परिणाम भी आ रहे हैं कि हम जिस तेजी से इस कोरोना से प्रदेश की सरकार जो लड़ रही है, जो रिकवरी रेट है, जो मृत्यु दर कम है, तो वो कहीं ना कहीं एक पूरे देश में आज एक मॉडल के तौर पर राजस्थान इस कोरोना महामारी में उभर कर सामने आ रहा है। जी आशीष जी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता पिंटू सिंह नरूका, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धर्माचार्यों से संवाद कर रहे हैं, आगे किस प्रकार का निर्णय लिया जाना है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा।